वैसे हमने तो टायर लगा लिया है, अभी आएगा मजा। और गाइस मैं आज ध्यान से सुनना, आज मैं बर्न आउट मारने वाला हूँ, ठीक है गाइस। हमारा 1K होने वाला है तो जल्दी से फटाफट फटाफट। क्या कर रहे हो भयंकर? तो गाइस यार देख सकते हो ये टायर कितना छोटा है और ये देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो भयंकर। हे गाइस गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। सो भाई लोग यार आज का टाइटल और थंबनेल देख के तो आज पता चल गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ आर के नगर में एपोलो के शोरूम में। सो वहाँ पर जाके मैं अपना बाइक का टायर चेंज करने वाला हूँ। सो भाई लोग यार जिस किसी को भी नहीं पता, ये मेरा RS200 BS6 का मॉडल। अबे यार सो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं टायर लगाऊँ सो वो भी जाके देखते कि अच्छा कौन सा टायर मिलता है। और गाइज मैं आज ध्यान से सुनना, आज मैं बर्न आउट मारने वाला हूँ, ठीक है गाइज, क्योंकि मैं टायर चेंज कर रहा हूँ। तो ये टायर रखने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं बर्न आउट मारने वाला हूँ। सो वीडियो पर बने रहना, वीडियो लास्ट तक देखना, ठीक है। आज का तबाही होगा गाइस, तबाही होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। बहुत लोग बोल रहे हैं कि गिव अवे का वीडियो कब आएगा तो भाई मैं जल्दी गिव अवे का वीडियो लेके आऊँगा। भाई लोग यार जल्दी से 1K कंप्लीट करा दो गाइज, हमारा 1K होने वाला है तो जल्दी से फटाफट फटाफट। क्या कर रहे हो भयंकर? अभी क्या ही बन रहे भाई, देख रहे हो अचानक ब्रेक मार दिया भाई गाड़ी के सामने। ऐसे कैसे एक्सीडेंट होता है? और गाइज आज मेरे वॉइस में कुछ चेंजेस लग रहा है क्या, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। मेरा जो माइक है ना गाइज, मेरे माइक में मैंने जो रुई होता है ना, वो रुई लगाया है मैंने आज मेरे माइक में, वरना विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा आता है ना गाइस और माइक में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने आज लगाया है। तो आप लोग ज़रूर से बताना कि वॉइस कैसा आ रहा है मेरा। सो अभी फटाफट बराबर चलते हैं गाइस और बिना टाइम वेस्ट के दिखाते हैं आप सबको। आ जाओ चचा जी आ जाओ, मैं बाइक लेके निकला हूँ आप लोगों के लिए, आपके ऊपर उठाने के लिए, समझ रहे हो भयंकर। तो भाई लोग यार हम लोग तो पहुंच चुके हैं एपोलो के टायर के शोरूम में। सो अभी टायर खरीदते हैं गाइस, आ जाओ अभी चलते हैं अंदर, आ जाओ गाइस। तो हम लोग तो आ चुके हैं शोरूम में। सो अभी अंकल चेक कर रहे हैं कि टायर का नंबर क्या है। अपोलो अल्फा H1 देखिए सर, यही ठीक है, 3400 वो ठीक है। सीधा ये वाला बड़ा लग रहा है गाइस, देख रहे हो ये वाला बड़ा लग रहा है, वो 3400 नहीं। ट्यूबलेस नहीं। तो गाइस यार देख सकते हो ये टायर कितना छोटा है और ये देखो कितना बड़ा है, देख रहे हो भयंकर। ये शायद निकालना पड़ेगा, 2 साल का वारंटी मिल रहा है। तो देखते हैं अनकंडीशन वारंटी से तुम्हारा 5 ईयर वारंटी मैन्युफैक्चरिंग ना नहीं लोग कितना फ्री में लेने की। भाई लोग यार अभी हम लोग आ चुके हैं टायर लगाने के लिए। सो ये चेक करें, ये देख रहे हो गाइस कैसे ये टूट गया है। ये बैग दिया है एपोलो वाले ने, देख रहे हो ये दिया है। गाइस यार आगे चेकिंग चल रहा है। गाइस हमने तो टायर लगा लिया है, अभी आएगा मजा, अभी मजा आएगा। अरे आंटी देख रहे हो वैंकर कैसे इधर भी नहीं देख रही उधर भी नहीं देख रही। अभी काश खींचने में मजा आएगा, लेकिन मजा किया अभी सजा बन चुका है क्योंकि अभी तेल इतना ज्यादा खाएगा ना गाइस। मैंने मोटा वाला टायर लगा दिया है इसीलिए तेल इतना ज़्यादा भयंकर खाएगा अभी, देखना गाइस। और अभी थोड़ा स्पीड भी इंक्रीज होगा, स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है। और भाई इतना ज़्यादा ऊंचा लग रहा है ना इधर बैठने में, इतना ज़्यादा ऊंचा लग रहा है गाइस। ये तो ईजी भाई, ये क्या हो गया भाई, देख रहे हो गाइस। अबे यार कैसे क्या हो गया। वही मेरा पैर लग गया, मेरा पैर नीचे लग गया, ओए मेरा पैर लग गया नीचे। फिर भी इतना ज़्यादा लीन नहीं करना है हमको, ठीक है, वरना घटने में टाइम नहीं लगेगा। सो मैंने पुराना वाला टायर ले लिया है जो कि देख सकते हो, पीछे मेरा फ्रेंड लेके बैठा है। सो भाई लोग यार उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्लो लाइफ लॉन्ग लाइफ, आ जाओ गाइस, बूम।